हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे। यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, किसी भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट मौजूद है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला इसके लिए देखिए, एक होता है क्या, कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करें, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। पिछले चैप्टर में मोलर मास वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। मोलर मास क्या होता है, यौगिक के अणुभार के बराबर का भार ग्राम में ले, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर का वेट ग्राम में ले, वही क्या होगा उसका मोलर मास। अब उसमें जितना ग्राम एलिमेंट होगा जो भी, वह उस कंपाउंड के एक मोल में उस एलिमेंट का मास कहलाएगा, उस तत्व का द्रव्यमान कहलाएगा। तो यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तत्व की प्रतिशत मात्रा किसी यौगिक में कैसे निकाली जाएगी, मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड, यौगिक के एक मोल में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक का एक मोल मतलब यौगिक के अणुभार के बराबर का भार ग्राम में, अभी आगे आएगा समझ में बात। मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक का अणुभार के बराबर का भार ग्राम में, अणुभार के बराबर का भार ग्राम में लोगे तो एक मोल होगा, एक मोल का द्रव्यमान कहलाएगा मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, वही जो छोटे क्लास में पढ़ता है परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना, बस वहीं से प्राप्त हुआ है और ज्यादा इसमें कुछ कमाल की बात नहीं है। जैसे कहा जाए डिटरमिन एग्जांपल के तौर पे देख लें हम, एग्जांपल देखिए, कहा जाए डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित यौगिकों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। हिंदी में बोलते चल रहा था, हिंदी वाले भी समझ लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें, दोनों को समझाना जरूरी है। जैसे पहला यौगिक, पहला कंपाउंड दिया गया है H2O। H2O एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से बना हुआ और ऑक्सीजन से, इसमें हाइड्रोजन तत्व भी है और ऑक्सीजन तत्व भी है। तो इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो क्या किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको, मोलर मास की। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल कितना होगा, जितना की यौगिक का कंपाउंड का अणुभार मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के बराबर का मास ग्राम में लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जल का H2O का हम क्या निकालेंगे, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। इसमें देखो कैसे निकाला जाता है, अणुभार निकालना हमने समझाया हुआ है। इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, हाइड्रोजन के एक एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान एक AME होता है, दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम, उसका एटॉमिक मास 16 AMU, 16 AMU, 16 हमने लिख दिया, 16 × 2 = 18, ठीक है ना। तो जल का H2O का अणुभार कितना, 18 AMU। अगर ये मात्रा हम ग्राम में लेंगे, इतना ही मात्रा किसमें ले लो, ग्राम में, तो इसको क्या बोलोगे, मोलर मास। तो अब देखो 18 ग्राम अगर हम वाटर लेते हैं तो उसमें दो भाग क्या होगा, हाइड्रोजन, और 16 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर हम ये मात्रा AMU में लेंगे 18 AMU, तो 2 AMU क्या होगा, हाइड्रोजन, और 16 AMU क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर ये अमाउंट ग्राम में लोगे तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन होगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में द्रव्यमान के अनुसार 2:16 में होंगे, 2:16 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास वाटर में होता है। तो अब इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लो और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, कितना है, 2 ग्राम। क्यों, 18 ग्राम पानी लेने पर उसमें 2 ग्राम क्या होगा, क्या होगा भाई,
हाइड्रोजन हो। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, किसमें परसेंटेज हाइड्रोजन की परसेंटेज किसमें कितनी होगी। तो परसेंटेज किसमें निकाला जाता है, 100 में, 100 में निकाला जाता है। तो 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम वाटर में क्या हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन, देखो 2/18 × 100 इतना आएगा। यही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जल में प्रतिशत मात्रा, जल में हाइड्रोजन की परसेंटेज प्रतिशत मात्रा। तो 2 ऊपर लिखा गया, 18 नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, किसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 18 ग्राम पानी लेने पर ये क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल, जल का 1 मोल होगा। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। H2O का मोलर मास 18 ग्राम, अब 18 ग्राम में क्या होगा, हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, ठीक है ना। तो 18 ग्राम क्या होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड हो गया H2O का, ठीक है। और इसमें 18 ग्राम H2O लेने पर 1 मोल H2O होगा, यानी मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। अब इसमें कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है, 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मास उसमें कितना, 2 ग्राम, ठीक है। 2/18 × 100, देखना फॉर्मूला कहां से है। तो सॉल्व करने पर आ गया 11.11%। ऐसे क्या निकालो, कार्बन का परसेंटेज निकालो, कि सॉरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पर, सॉरी ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है। तो 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है, 18 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है ना। तो 100 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ऊपर हो जाएगा, 18 नीचे गुणे 100। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, मास ऑफ एलिमेंट कितना है, 16, मास ऑफ कंपाउंड कितना, 18 ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 100 से गुणा करोगे परसेंटेज निकल जाएगा। तो पानी में हाइड्रोजन कितना होता है, 1101%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 88.88%। ऐसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल, चलिए देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा एग्जाम्पल कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले क्या निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड का हम मॉलिकुलर मास निकालें। इसमें कार्बन का एक परमाणु, एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 एटम है, तो इसमें क्या करोगे, 2 से गुणा करा दिया जाएगा, तो हो जाएगा 12 16 दूना 32 32 12 44। यानी अगर 44 भाग कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसमें 12 भाग क्या होगा, कार्बन होगा, और ऑक्सीजन कितना भाग होगा, 32 भाग। यह मात्रा AMU में लोगे तो 44 AMU में क्या होगा, कार्बन 12 AMU और ऑक्सीजन कितना होगा, 32 AMU। यही मात्रा ग्राम में लोगे, यही मात्रा ग्राम में लोगे, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम। अगर हम 44 देखते हैं, 44 AMU, तो ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास, और इसी के बराबर का मास ग्राम में लोगे तो ये क्या कहलाएगा, मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ठीक है। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 44 ग्राम, तो इसमें कितना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम, कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम। तो किसकी परसेंटेज पहले निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज, तो क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना लिया गया, 44 ग्राम, ठीक है। तो 12/44 × 100, ठीक है ना, ठीक है, ये ग्राम में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखिए सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 12/44 × 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास ऊपर लिखोगे, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम, और कितना ग्राम कंपाउंड है, 44 ग्राम,
तो 32/44% से ले रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखा ना हमने कि अगर हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें कार्बन कितना परसेंटेज है, कार्बन है 12%, ठीक है, 12 ग्राम, सॉरी। तो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12/44 × 100 ऐसे हो जाएगा, कितना आ रहा है ऑक्सीजन का, आ रहा है परसेंटेज 72.72, ठीक है, ये आएगा परसेंटेज में। अब कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए भी कर सकते हो, 100 - 72.72 कर सकते हो, तो आ जाएगा 2727%। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या पा रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई, 27.27%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, 72.72%। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन निकल गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल, कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट कहा जाता है, नाम भी जान लीजिए इसका। आयनिक फॉर्मूला के बनाने के लिए जो हमने वीडियो बनाया था उसमें देख सकते हैं कि नाम कैसे लिखा जाता है आयंस की मदद से, कैल्शियम नाइट्रेट इसका नाम है और फॉर्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस। तो पहले इसका हम क्या निकालें, मोलर मास, चलिए ठीक है निकाल लेते हैं। देखिए जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे कैल्शियम का एक एटम है, ठीक है, कैल्शियम का एक एटम। अब यहां देखो नाइट्रेट दो है, 2×N क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, इनटू ऑक्सीजन कितना, 2×3 = 6 ऑक्सीजन। ऐसा लिखने से मोलर मास निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास CaNO3 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 एटॉमिक मासेस दिए रहते हैं, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, 14×2, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16×6 तो कितना हो गया, 40 प्लस 14×2 = 28 प्लस 16×6=96 कितना आ गया, 40, 28 और 96 ये जोड़ने पर कैल्शियम नाइट्रेट का एटॉमिक मास आ जाएगा, ये आ रहा है 164। तो अगर हम 164 ग्राम लेंगे क्या कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या लाएगा, क्या 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, और इसमें 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में 40 ग्राम क्या होगा कैल्शियम, नाइट्रोजन कितना होगा 28 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा 96 ग्राम, ये तीनों मिलकर के 164 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट बनाएंगे। अगर इसका इतना ग्राम, इसका इतना ग्राम, इसका इतना ग्राम मिल जाए, ये कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिकुलर मास 164 AMU, इतना ग्राम लोगे तो 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, इसी को कहेंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें किसकी किसकी परसेंटेज निकालनी है, पहले कैल्शियम की परसेंटेज, तो क्या करोगे, मास ऑफ कैल्शियम 40 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तत्व का, तत्व की मात्रा ऊपर नीचे, यौगिक का मोलर द्रव्यमान नीचे, 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज निकलेगा। वीडियो एग्जांपल हमने समझाया था, यह आ रहा है 90.90%, ठीक है। ऐसे ही किसका निकल जाएगा, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, इसके लिए क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का भार ऊपर लिखेंगे, नाइट्रोजन का भार 164 ग्राम में कितना ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम तो ऊपर लिखेंगे, और बटा 164 यौगिक का मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखकर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नाइट्रोजन की प्रतिशत निकल गई, कितना आ जाएगी,
इसी तरह से किसका निकाल लो, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें ऑक्सीजन का भार 96 ग्राम, 17.03 नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हो गई, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का भार ऊपर लिखोगे, 164 ग्राम यौगिक में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 96 ग्राम ऊपर लिखोगे बटे 164, ये क्या हो गया मोलर मास ऑफ कंपाउंड, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ परसेंट आएगा 42.07%। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमने कैल्शियम नाइट्रेट लिया हुआ है CaNO3 का होल ट्वाइस, इसमें हम क्या पाते हैं कैल्शियम कितना परसेंटेज है, 90.90%। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 17.03%। ऑक्सीजन की परसेंट कितना है, 42.07%। कैल्शियम में क्या 40/164 से 40 में भाग दो पहले, उसके हाँ 58 किसका, इसका 58.53%, ठीक है। इसका चेकिए सही है, और इसका देखो गड़बड़ लग रहा है, 40 में 164 से भाग दो, गलती पकड़ में आ जाती है। कैल्शियम कितना परसेंट, 24.39%। नाइट्रोजन 17.03%। ऑक्सीजन जो है 58.53%, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या लें, ब्लू विट्रियल जिसको कहते हैं नीला चौथा, ब्लू विट्रियल में सल्फेट या सोफोर जरूर होता है। ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला क्या होगा, Cu या SO4 इंटू 5H2O, ठीक। तो पहले हम क्या निकालें, ब्लू विट्रियल का मोलर मास निकालें, मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रियल Cu या SO4 इंटू 5H2O, ठीक है। अब देखिए यहां पे कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 प्लस सल्फर का 32, ये क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 प्लस 5 × जल, जल का परमाणु ये अणुभार 18 होता है, कई बार निकलवा चुके हैं 18, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 × 64 प्लस 18 × 5 अरे 18 × 5 है ना जी, कितना हुआ, हाँ। अब जोड़ो 63.5 + 32 + 64 + 90 अब इसमें देखो इसका मोलर मास निकल जाएगा, पहले इसमें देखो कॉपर सल्फर ऑक्सीजन और क्रिस्टलन जल क्रिस्टलाइन कितना 249.5 249.5 इसका मोलर मास हो गया। अब इसमें क्या करें, कॉपर की परसेंटेज निकालो पहले, कॉपर की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर 249.5 ग्राम अगर हम ये लेंगे
कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, तो उसमें 63.5 ग्राम क्या होगा कॉपर, और कंपाउंड का मास कितना 249.5, ये ब्लू विट्रियोल का मोलर मास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25.45, ठीक है, हाँ इतना परसेंट। अब क्या कर लें, कॉपर का निकाल के सल्फर की परसेंटेज निकाल लें, सल्फर की परसेंटेज तो क्या होगा कंपाउंड में सल्फर की परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सल्फर, यहाँ पे सल्फर का मास कितना है 32 ग्राम और कंपाउंड का मास कितना है 249.5 ग्राम इंटू 100, तो यहाँ सल्फर की परसेंटेज देखिए कितनी आ जाएगी 12.82% ठीक है ना। इसके बाद इसकी परसेंटेज निकाल लो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो कंपाउंड में 63.5 ग्राम क्या है कॉपर, सल्फर कितना है 32 ग्राम और 64 क्या होगा ऑक्सीजन का मास, कितने में इतने ग्राम में 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो मास ऑफ एलिमेंट ऊपर, तत्व का भार ऊपर, यौगिक का भार, यौगिक का मोलर द्रव्यमान नीचे, और सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ जाएगी 6.41%। इसके बाद किसकी निकालेंगे, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ठीक है, मास ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है 90 ग्राम मान लो, 90 बटा मास ऑफ कंपाउंड यौगिक का भार किसका, इसका 25.65 90 बटा 249.5 गुणे 100। अब ये कितना हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन वाटर का परसेंटेज 36.07%। तो जो ब्लू विट्रियोल था उसमें देखिए कॉपर कितना है Cu(SO4)5H2O, ये ब्लू विट्रियोल है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो गया, कॉपर कितना परसेंट इसमें है 25.45%, सल्फर का परसेंटेज कितना आया 12.82%, उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंट 25.65%, क्रिस्टलन जल क्रिस्टलाइजेशन वाटर का परसेंटेज कितना आया 36.07%, ठीक है। इसी से देखो मिलता हुआ एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करा दें, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 हो चुके हैं, कितना हुआ 20 हो गया, रुको थोड़ा सा, पांचवा क्वेश्चन 33.0 ग्राम ऑफ अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 31.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए
क्या कह रहा है कि 33 ग्राम कोई मेटल है, कोई धातु है, वह ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, तो 7102 ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो जो मेटल ऑक्साइड है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, कौन क्रिया किससे कर रहा है, मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मेटल और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहा है, कितने ग्राम मेटल ली गई, 33 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लिया गया नहीं पता, ठीक है मान लेते हैं 100 ग्राम लिया गया। मेटल ऑक्साइड कितना बन रहा है, 71.2 ग्राम, ठीक है ना। अब यक्स बराबर क्या होगा, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड के मास से मेटल का मास हटा दो, तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया, 71.2 ग्राम माइनस मास ऑफ मेटल कितना है, 33 ग्राम, ठीक है। ये लिस्ट करने पर देखो कितना आ रहा है, 38.2, ठीक है ना। अब क्या निकालें, मेटल ऑक्साइड का मास दिया है, उसमें इतना ग्राम ऑक्सीजन है, इतना ग्राम मेटल है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करें, ठीक है पहले क्या करें, हम इसको नोट कर लेंगे, इसमें पहले हम मेटल की या ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल, या मेटल की परसेंटेज पहले चलो निकाल लेते हैं। मास ऑफ मेटल कितना है, 38.2, और मास ऑफ कंपाउंड मेटल ऑक्साइड कितना है, 71.2 है इंटू 100। और सॉल्व करके देखेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लें, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना पता चला था, सॉरी ये 33.2 था, 33 था, और ऑक्सीजन का कितना आया था मास, 38.2 बटा 71.2 गुणे 100। धातु की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करें, धातु का भार बटे धातु ऑक्साइड का भार, यह आया था 46.62। ऑक्सीजन का कितना आया, ऑक्सीजन का भार बटे धातु ऑक्साइड का भार, मेटल ऑक्साइड का भार कितना आया, तो जो मेटल ऑक्साइड है उसका जो है परसेंट कंपोजिशन मिलेगा, उसमें मेटल कितना परसेंट हो गई, 46.62%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, 53.65%। इसमें ऑक्सीजन है 53.65%। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते, उसके लिए क्या करें, मास ऑफ एलिमेंट ऊपर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मतलब होमवर्क दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। जैसे कह रहा, डिटरमिन परसेंट कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे पहला देखिए, जिसे कहा जाए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। दूसरा कहा जाए यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। फिर कहा जाए ग्रीन विट्रियॉल का फॉर्मूला FeSO4E2 7H2O। तो इन सबके मोलर मास निकालने पड़ेंगे, इसमें एटॉमिक मास की परमाणु द्रव्यमान की जरूरत होगी, बता दे रहे हैं कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, आयरन का 56, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करके जरूर दिखा देंगे।